नहीं भाई, अरे भाई, आप इस देश में एक वर्ग है जो वंदे मातरम गाने से जिसे परहेज है, और आपने उसी वंदे मातरम का उर्दू में तर्जुमा किया है। हम चाहेंगे कि अगर हमारे दर्शक भी उससे लाभान्वित हो सके तो। मतलब मैं उससे सुनाऊं? ये तो आप इम्तिहान ले रहे हैं मेरा। वो कुछ इस तरह है, मुझे शायद पूरा याद नहीं होगा इस वक्त, लेकिन कनेक्ट करता जाऊंगा उसको। तस्लीमात मा तस्लीमात, तस्लीमात है सलाम का प्लूरल। मतलब सलाम अपने आप में ग्रीटिंग है, और उसको और जरा गहन कर दीजिए तो तस्लीमात हो जाता है उसका प्लूरल। तस्लीमात मा तस्लीमात, सुजलाम तू भरी है मीठे पानी से, सुफलाम मलयज शीतलाम, सुफलाम फल फूलों की शादाबी से, दक्कन की ठंडी हवाओं से, सस्य श्यामलाम मातरम, सस्य श्यामलाम दक्कन की ठंडी हवाओं से। अगर वंदे आप मातरम। वाकई सुनना चाहें, मगर मैं इससे पहले कि निकालूं, मैं आपको एक उसमें एक उससे भी ज्यादा दिलचस्प बात है जो मैं आपको सुनाता हूं, कि मैंने ये रात को मैं बैठा इसका सिर्फ तर्जुमा करने के लिए, अनुवाद करने के लिए, लेकिन मैंने देखा कि वो तो वर्स फॉर्म में बनता जा रहा है। थोड़ा वक्त लगा, संस्कृत की डिक्शनरी वगैरह, कई कई डिक्शनरी देखनी पड़ी, और सुबह को मैंने किसी को लखनऊ वो भेजा, और मैंने कहा ये मत बताइएगा कि ये भेजा कि फतवा आया था नदवे से। हाँ, तो मैंने वो किसी को लखनऊ भेजा, और मैंने कहा ये मत बताना कि किसने भेजा है, ये उन्हें दिखाना और कहना कि इसमें कुछ ऐसी बात है कि जिसको बोलने से दीन या फेथ खतरे में पड़ता हो, तो वो थोड़ी 1 घंटे बाद उनका जब फोन आया, कहा कि आरिफ भाई मैं लेके गया और मैंने दिखाया और कई लोगों ने पढ़ा, उनका नहीं इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो उन्होंने कहा साहब ये शायद वंदे मातरम का तर्जुमा है। तो अब अगर आप बगैर पढ़े ही और हर चीज पे एतराज ही करने का तय किया हुआ है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। ये है, ये आईपैड बड़े काम की चीज है सर। ये है साहब, अब है पूरा, मैं ले लेता हूं। तस्लीमात मा तस्लीमात, तू भरी है मीठे पानी से, फल फूलों की शादाबी से, दक्कन की ठंडी हवाओं से, फसलों की सुहानी फिजाओं से, तस्लीमात मा तस्लीमात, तेरी रातें रोशन चांद से, तेरी रौनक सब्जे फाम से, तेरी प्यार भरी मुस्कान है, तेरी मीठी बहुत जुबान है, तेरी बाहों में मेरी राहत है, तेरे कदमों में मेरी जन्नत है, तस्लीमात मा तस्लीमात। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। यही वो रहस्य जिसको मैं शुरुआत में ही कह रहा था कि वो आखिर में खोलूंगा। और बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी दिलचस्पी के साथ इस कॉन्क्लेव में शिरकत की, आपने पूरे मनोयोग के साथ इसमें आप आए, ये दिखाई दिया, हमको महसूस भी हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हेमंत जी बैठे हैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। तहे दिल से आपका शुक्रिया। और जिन लोगों को मादरे वतन से, मातृभूमि से प्यार है, उसको वंदे मातरम उनको कहने में भला क्यों गुरेज होना चाहिए।